हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। और आरआरबी की फार्मेसिस्ट की जो वैकेंसी आई है उसमें आपका किस सिटी में कितनी वैकेंसी आई है फार्मेसिस्ट एंट्री लेवल पे, सिलेबस क्या होगा, वो सारा डिटेल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कैटेगरी वाइज मैंने डिवाइड करा है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, कितनी बैकलॉग वैकेंसी है, कौन से रेलवेज में वैकेंसी आ रही, मतलब नदन रेलवे, सदन रेलवे कौन सा है, और कौन से सिटी का कितना है, ये अगर आपको चेकआउट करना है तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा अलॉन्ग विद द सिलेबस, डिटेल सिलेबस के डिस्कशन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है आरआरबी का, देन यहाँ पे देख लेते हैं हमारा जो पे कमीशन है वो किसमें आ रहा है। पे लेवल 7 सीपीसी से फॉलो हो रहा है फार्मासिस्ट का। ये रहा हमारा फार्मासिस्ट, इसमें 13th नंबर पे एंट्री ग्रेड C2 कैटेगरी, एज जनरल, एंड कितनी वैकेंसीज है, 246 वैकेंसीज है। तो ये हमारा इधर इसका डिटेल रहा। ये हम सिलेबस की बात कर लेते हैं सबसे पहले, चलो इसको डिस्कस करते हैं इसमें क्या क्या होगा। प्रोफेशनल एबिलिटी क्वेश्चन होंगे जो आपके 70 क्वेश्चंस होंगे एंड मार्क्स अलॉट होंगे 70। प्रोफेशनल एबिलिटी, तो प्रोफेशनल क्या है आपका, हमारा यहाँ पे हम फार्मासिस्ट हैं, तो ये जो कैटेगरी है ना ये हमारी चेंज होती जाएगी। मतलब अगर हम फार्मासिस्ट का एग्जाम दे रहे हैं तो हमारे फार्मेसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जिसका सिलेबस दिया गया है इन्होंने डिटेल्ड सिलेबस जो है मोस्टली जीपैट का जो सिलेबस रहता है ना उतना टफ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डिप्लोमा बीफॉर्म दोनों स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा ही बनाया जाएगा जो सबके सिलेबस का पार्ट हो। तो इन लोगों ने एचएपी भी दिया है, कोग्नोसी, इकोलॉजी, एनालिसिस, केमिस्ट्री, सबका ही क्वेश्चंस होते हैं। हम क्या करेंगे अभी सीरीज में आगे चल के लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। प्लस आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कम्युनिटी पेज पे रोज 8 PM रात में 8 बजे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, आप उसको सेलेक्ट करो। जब उसका आंसर पोस्ट होता है प्लीज देखिए, उसमें आंसर लिख कर आएगा आपकी रेफरेंस बुक का स्टैंडर्ड पेज नंबर के साथ, मैंने आंसर दिया है। तो ऐसा नहीं है वो आंसर मैं बना रही हूँ, आपकी स्टैंडर्ड बुक के आंसर्स उसमें दिए हैं, आप जाके चेक कर सकते हो, अंडरलाइन हाईलाइट कर सकते हो, तो एक तरह से प्रिपरेशन होती जाएगी। तो क्विज फॉलो करते जाओ, कम्युनिटी पे जो क्वेश्चन आते हैं उसको फॉलो करते जाओ, तो बहुत अच्छा आपको रेफरेंस बुक के आंसर्स मिलेंगे उसमें, जो कि इनमें डायरेक्टली वही क्वेश्चन उठा के रख दिया जाता है एग्जाम में, तो हम उसकी प्रिपरेशन भी करेंगे आगे चल के। अभी देख लेते हैं प्रोफेशनल एबिलिटी, मतलब हम फार्मासिस्ट है तो ये 70 क्वेश्चन हमारे होंगे फार्मासिस्ट के क्वेश्चन होंगे जो हमारे फार्मेसी के सब्जेक्ट से आएंगे। 10 क्वेश्चन आपके आएंगे जनरल अवेयरनेस के, आसपास आजकल क्या चल रहा है, जैसे अभी ओलंपिक्स वगैरह चल रहा है और जो भी जनरल इंटरनेशनली एंड नेशनली जो भी चीजें चल रही हैं, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आपके जनरल एरिथमिया, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब कोई एक स्टेटमेंट दे दिया उसको कोरिलेट करके उसका आंसर क्या, उस सिचुएशन का आंसर क्या आएगा, कोई एक सिनेरियो दे दिया, जनरल आपकी नॉलेज चेक करी जाएगी इसमें और जनरल इंटेलिजेंस चेक करी जाएगी इसमें। देन जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे एंड इन टोटल आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। अभी कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हम लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व करते जाएंगे और पहले की भी, तो हमें आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मेन बात ये होती है कि इनमें कट ऑफ कितना जाएगा, है ना। तो कट ऑफ इन जनरल, जनरल कैटेगरी का 40%, एससी एसटी का जाएगा ओबीसी एंड एससी का जाएगा 30%, एससी कैटेगरी के लिए 25%, और जिन लोगों को डिसेबिलिटी है और उनका कट ऑफ क्लियर, जो कट ऑफ मार्क्स दिए हैं उसमें सीटें नहीं भरी, सपोज 10 सीटें डिसेबिलिटी के लिए थी और 8 ही लोग कट ऑफ क्लियर कर पाए, तो वो 2 सीट जो है वो खाली नहीं जाएगी, उसके लिए अपना कट ऑफ लो कर लेंगे। कितने मार्क्स से, 2 नंबर से मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा और वहां पे भी सीट्स फिल करी जाएंगी विद जिन लोगों को डिसेबिलिटीज है। राइट, आ गया समझ में। तो कट ऑफ देखते जाओ कितना है, जैसे कि 100 नंबर के क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे साफ साफ आ रहा है 100 मार्क्स, ठीक है, तो कट ऑफ कितना हो जाएगा 40 मार्क्स, ओबीसी एससी के लिए 30 मार्क्स और एसटी के लिए 25 मार्क्स, 25%। अब क्योंकि +1 जा रहा है और माइनस कितना जा रहा है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है 1/3 की, और करेक्ट आंसर कितना जा रहा है 1 जा रहा है, तो अब हम कट ऑफ बताएंगे जब ये पेपर हो जाएगा तो कितना कट ऑफ जाता है। ये आपको एक जनरल आइडिया दिया 40%, है ना, इसलिए परसेंट दिया। देन ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इनको प्लीज जाके चेकआउट करिएगा, जिसकी भी आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो। ये हमारी आरआरबी की जो वैकेंसीज है कलेक्टिवली इन सारी जगहों के लिए आई है, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक करते जाइएगा ऑनलाइन वैकेंसी फिल करते समय। अब सीबीटी, मतलब जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, वो कितनी लैंग्वेजेस में होगा, इंग्लिश, हिंदी एंड 13 रीजनल लैंग्वेजेस, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, ये सारी लैंग्वेजेस में पेपर होगा। जब आपको सारी लैंग्वेजेस में नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, जब आप फॉर्म भरोगे उसमें चॉइस पूछेगा, तो आप अपना रीजनल लैंग्वेज एंटर करोगे, तो जब आप पेपर देने जाओगे तो इंग्लिश में भी पेपर होगा और वही पेपर आपका आपकी लैंग्वेज में भी बगल में दिया हो, तो 2 कॉलम होते हैं, एक तरफ आपकी लैंग्वेज में पेपर आता है, एक तरफ आपका इंग्लिश में आता है, आपको सेलेक्ट करना है आप किस में एग्जाम दोगे। ठीक है, तो भी आप देख सकते हो उन क्वेश्चंस को। देन आपको मल्टीपल जो मल्टीपल एप्लीकेशंस देने वाले का एक डिसक्वालीफाई हो जाएगा, मल्टीपल बार आप नहीं भर सकते हो, फोटो, साइन, ये सब
ठीक से अपलोड करना, अगर ठीक से अपलोड नहीं करा आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। देन आपका जो कॉल लेटर है वो ऑनलाइन आपकी ईमेल पे आ जाएगा जो लोग भी एलिजिबल हैं। देन साथ के साथ 4 days बिफोर द सीबीटी मतलब एग्जाम होने से 4 दिन पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे भी सारा डेट सेंटर रोल नंबर लेकर आ जाएगा। अगर आपको ईमेल पे नहीं आया है तो जाकर क्या करना है, हमको ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है या आईडी पासवर्ड आपको एंटर करना है। क्रिएट कैसे करोगे इसका एक सेपरेट वीडियो है, वो चेकआउट करिएगा कैसे इसका फॉर्म भरना है। देन ये इनका वेबसाइट है जहां पे हम डिटेल्स भर के लॉग इन करके अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं, उसका सेपरेट वीडियो चेक करिएगा। ये फार्मेसिस्ट की वैकेंसीज के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका, वो है डिप्लोमा या फिर बीफार्म और आप एक रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट होने चाहिए, ठीक है। देन हम देख लेते हैं यहाँ पे सिटी वाइज कौन से सिटी में कितनी वैकेंसीज आई हैं, साथ के साथ चेक कर सकते हो बैकलॉग मतलब जो डिसेबिलिटी की बैकलॉग वाली वैकेंसीज थी, जैसे कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल या जो भी डिसेबिलिटीज थी या रेगुलर या बैकलॉग वाली वैकेंसीज कितनी है। एंड ईएक्सएम मतलब एक्स सर्विसमैन, देन ये यूआर जनरल एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और ये टोटल वैकेंसीज लिखी गई है, तो ये देखते जाना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आपको आइडिया हो जाएगा। ये रहा फार्मासिस्ट का इधर दिस साइड, देन प्रयागराज में फार्मासिस्ट ईयर, ये रहा ये पूरी वैकेंसीज है। ये जो लिखा गया ना NWR सब क्या नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज, NR मतलब नदन रेलवेज, SR मतलब साउदर्न रेलवेज, ये फार्मासिस्ट का वैकेंसी है अजमेर का, ये बैंगलोर की है, भोपाल ये रहा फार्मासिस्ट, भुवनेश्वर में नहीं है, बिलासपुर में ये फार्मासिस्ट का है, देन चंडीगढ़ फार्मासिस्ट, चेन्नई ये 11 नंबर पे फार्मासिस्ट, गोरखपुर गुवाहाटी में है इधर फार्मासिस्ट, देन जम्मू श्रीनगर ये 11 नंबर वाले चेक करते जाना सब जगह, कोलकाता ये रहा लास्ट में, देन मालदा ये रहा फार्मासिस्ट का, मुंबई फार्मासिस्ट, मुजफ्फरपुर फार्मासिस्ट का, पटना में इधर है सॉरी रांची, ये रांची में पटना में दिस, देन रांची, सिकंदराबाद में इधर है एंट्री ग्रेड, सिलीगुड़ी। एंड देन अभी आप डिस्कस कर लेते हैं कि जो जनरल क्वेश्चन है जो 10-10-10 मार्क्स 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन है 10-10-10, बाकी तो हमारा क्या आ जाएगा जो हमारे 10-10-10 मार्क्स के क्वेश्चन है उसके अलावा 70 मार्क्स हमारे प्रोफेशनल एबिलिटी के आएंगे। अदर देन दैट एरिथमेटिक्स रीजनिंग और अवेयरनेस और साइंस इनके जो हमारे मार्क्स थे 30 मार्क्स वो ये सिलेबस है, ये जनरल मैथ्स का है क्लास 10th लेवल तक का, देखो लिखा भी है सीबीएसई बोर्ड की बुक्स के हिसाब से, बेसिक साइंस बेसिक करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज इन पे आपके क्वेश्चंस होंगे, ये सिलेबस है हमारा। देन ये हमारा स्पेशलाइज्ड सिलेबस जो 70 मार्क्स का हमारा प्रोफेशनल एबिलिटी थी वो कहाँ से चेक होगा, ये रहा फार्मेसिस्ट इंटीग्रेट का सिलेबस क्या है, जूम करा मैंने इसमें ना बेसिक वो सारा सिलेबस है जो आप पूरे बी फार्म में पढ़ते हो या पूरे डिप्लोमा में पढ़ते हो, उनका जो लेवल होगा क्वेश्चंस का वो ऐसा होगा कि डिप्लोमा बी फार्म दोनों के स्टूडेंट्स को मैच कर सके, है ना, ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चंस होंगे, उसके लिए हम लास्ट ईयर पेपर डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर रेगुलर पोस्टिंग ऑफ कंटेंट ऑन दिस, थैंक यू।